गेटवे क्लासेस आपको यूनिट 3 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। अगर आप इनके सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप वन शॉट वीडियो यूनिट 3 की गेटवे क्लासेस पे पढ़ी है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 3 का जो पहला क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू रिवर्स एन इंटीजर नंबर एंटर बाय यूज़र। आपको चेक करना है कि एक नंबर का आपको रिवर्स निकाल के बताना है, आपको उसका फ्लो चार्ट भी बनाना है, आपको उसका एल्गोरिथम भी करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 18, 19, 17, 18, 12, 13, 10, 11 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं उसका आपको फ्लो चार्ट लिखना है, एल्गोरिथम लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। ये क्वेश्चन देखो दोनों तरह से आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है सिर्फ प्रोग्राम लिखने के लिए आ जाए, हो सकता है सिर्फ एल्गोरिथम लिखने के लिए आ जाए, हो सकता है सिर्फ वो ही लिखने के लिए आ जाए। तो तीनों में से कोई चीज़ एक साथ भी आ सकती है और अलग अलग भी आ सकती है। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन ना 21-22 में आया हुआ है और 20-21 और 19-20 में, ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइम पे आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, इसका भी आपको एल्गोरिथम फ्लो चार्ट एंड आपको प्रोग्राम लिखना है। इसमें भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सिर्फ आपको एल्गोरिथम लिखनी है, सिर्फ आपको फ्लो चार्ट लिखना है, सब आपको प्रोग्राम, या तीनों भी आ जाते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि आपको एक नंबर फैक्टोरियल है या नहीं उसका मतलब, सॉरी, उसका फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है, आपको उसका फ्लो चार्ट बनाना है, एल्गोरिथम लिखनी है और प्रोग्राम भी लिखना है। ये 21, 22, 19, 20, 17, 18 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस निकालना है व्हाइल डू व्हाइल ब्रेक एंड कंटिन्यू में। ये क्वेश्चन ना देखो नॉर्मली ये जो आपको जितने मैंने प्रोग्राम के क्वेश्चन बनाए हैं ये सारे 7-7-7 मार्क्स के हैं। इसमें आपको शॉर्ट में भी कई बार आ जाता है मिक्स होके, और कई बार ज़्यादातर प्रोग्राम्स तो लॉन्ग में ही आते हैं। व्हाइल डू व्हाइल ब्रेक एंड कंटिन्यू 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिल जाता है कि 7 मार्क्स में से ये 2 आ जाता है कि पहला पार्ट दूसरा, और दूसरा ये जो है कई बार 2 मार्क्स में, दोनों तरह से आते हैं। तो ये 22-23, 21-22, 17-18 तीनों में आया हुआ है। आपको दूसरा क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ डिजिट इन अ नंबर, इसका प्रोग्राम लिखना है, एल्गोरिथम लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 15-16 में आया हुआ है। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इस यूनिट में प्रोग्राम्स ही हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक नंबर कितने इवन है, कितने ऑड है एरे में, ये फाइंड आउट करना है, या एक एरे में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकालना है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, 20, 21, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 13, 14 इसमें आए हुए। ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ये 22-23, 21-22 में आया हुआ है और 18-19 में भी, जबकि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 17-18 और 15-16 में आया हुआ है। अगर आपको करना है कि कुछ भी नहीं यही करना है तो आपको कम से कम इस यूनिट से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रांग इतना तो करके जाना है, और फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब ये क्वेश्चन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये 21-22 और 18-19 में आया हुआ है। मल्टी डायमेंशनल एरे पे शॉर्ट नोट, ये देखो 7 मार्क्स में भी आ जाता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है, ये 17-18 में आया हुआ है। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्या होते हैं, 15-16, 17-18 में आया हुआ है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, कई बार ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन लिख के आ जाता है और कई बार पर्टिकुलर फंक्शन को पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करो, तो अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपको साथ में एग्जांपल के थ्रू लिखना होता है। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इनके सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो सारे वन शॉट में कवर है, आपको वन शॉट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन शॉट की जो रिवीजन पीडीएफ नोट्स है वो एप्लीकेशन में फ्री है, आपको जो एप्लीकेशन के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप स्टडी मटेरियल पर जाके नोट्स को ले सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ सो दैट आपको आइडिया रहे। जैसे आपने आपने क्या करा, आपने गेटवे क्लासेस पे गए, ऐप डाउनलोड करी, डाउनलोड करने के बाद आप उसे ओपन करेंगे, 3 डॉट्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इसे ओपन करेंगे, देन स्टडी मटेरियल पे जाएंगे। स्टडी मटेरियल पे जाने के बाद आप वन नोट्स पे क्लिक करेंगे, आपको PPS के वन नोट्स मिल जाएंगे, वन नोट्स एक तरह से वन शॉट के जो भी नोट्स हैं, और आपको PPS यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 5 जितने भी हैं सब मिल जाएंगे। तो आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वन शॉट्स के आपको करने चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं, लास्ट मोमेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू।